आप इतने परेशान क्यों हैं? सच पूछें तो जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे यहाँ आने की कोई उम्मीद नहीं थी, और नौकरी मिलने की तो देखिए, आपको इस कंपनी में जॉब मेरिट पे मिली है। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको चुनना ही बेहतरीन इंतखाब है। थैंक यू। डरा हुआ तो मैं था, मुझे लग रहा था कि शायद आप दोबारा कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। अफान, आपने पहली मुलाकात में मुझे भाई कहा था, क्या मैं उस रिश्ते से पूछ सकता हूं कि आप दोनों के बीच क्या था? इज्जत थी, हमदर्दी थी, एक तरफा मोहब्बत भी थी, जो शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई है। मैंने यहां तक पहुंचने के लिए झूठ का सहारा जरूर लिया, लेकिन किसी का भरोसा नहीं तोड़ा। जानता हूं आपने भरोसा नहीं तोड़ा है, इसलिए हम दोनों यहां बैठे हैं। लेकिन मेरे भरोसे की बजाय वो लड़की टूट गई है अफान। बुराई आपके इरादों में नहीं, उसकी सोच में आ गई है, क्योंकि चाहते ना चाहते हुए भी उसने आपकी वजह से बहुत तकलीफ उठाई है। आफान, मेरे लिए रीच की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। उस बच्ची ने इतनी तकलीफें उठाई हैं कि मैं उसके सामने शर्मिंदा होकर रह गया। मैंने खुद को आज तक इतना बेबस नहीं पाया, मैं क्या क्या बताऊं आप? मैं सब जानता हूं। उसके दिल की ये रुकावट खौफ के अलावा और कुछ नहीं है। पता, अगर मैं इस सिलसिले में कुछ कर सकता हूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्या आप मुझे उसे माफी दिलवा सकते हैं? मुझे और कुछ नहीं चाहिए।